बड़का कैंची तो यही निकाल लीजिएगा, यही निकालिएगा। जाल बाहर लेके चलिए, जाल बाहर लेके चलिएगा। हमारे दिमाग पे सर प्रकरण है। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग बुचाही आए हैं और यहाँ देख सकते हैं ये जाल लगा हुआ है और इस जाल में बड़ा कोबरा सांप दिखाइए। पीछे तालाब है, लीजिए कैंची। तो दोस्तों आइए सांप को हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की बड़े ही आराम से। करंट है नहीं है उसमें, करंट जाले है। चलिए इसे हम लोग जाल को काटते हैं दोस्तों। डर नहीं लगता सुन के। सांप निकलने की कोशिश में है लेकिन खुद से नहीं निकल पाएगा। अब कहाँ से फंसे गए, कई चीज भूतर दिए भैया। तब तक आप जो है ना यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा एक फंसा हुआ है। पीछे हमको रास्ता भी रखना, निकलेगा छटपट आपसे। पीछे रे हमको रास्ता भी चाहिए। ओके
थोड़ा दूर रहिए आप लोग, दूरी बनाइए थोड़ा। करते हैं बातें और भैया पा गया और कह रहे थे आप पहनिए ना, बहुत बोल रहे हैं। तो दोस्तों यही कोबरा सांप है और किस तरह से जाल में फंसा हुआ था, ताजा ताजा जाल में फंसा है, ज्यादा देर नहीं हुई थी इसलिए इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, सांप बिल्कुल तंदुरुस्त है दोस्तों। तो जहरीला सांप है, हमेशा बताते हैं अपने वीडियो में कि कभी भी ऐसा कोई भी सांप काटे आपको, सदर हॉस्पिटल सीधा सरकारी सदर हॉस्पिटल जाइए, वहां जाकर आप ट्रीटमेंट कराएंगे और आपकी जान बच जाएगी दोस्तों। भूल से भी अंधविश्वास झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। तो आइए दोस्तों इस सांप को हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं और चलते हैं जंगल जहाँ इसे इसे हम लोग रिलीज करेंगे। डब्बा निकाल दिया दोस्तों, जहरीला सांप है लेकिन कितना शांत बना हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप इसे खतरा नहीं पहुंचाएंगे तो ये आपको बाइट नहीं करेगा। यही कारण जो है लोगों में काफी डर होता है, जहरीला सांप देखकर लोग मारना चाहते हैं क्योंकि सोचते हैं कि सांप आएगा और हमको काट के चला जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सांप अगर आपके घर में आते हैं तो वो शिकार की तलाश में आते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों सांप मेरे हाथ में है लेकिन हम अगर इसे आराम से ग्लाइड कर रहे हैं हाथ पे तो ये हमें बाइट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं हो रहा है और इसे खतरा नहीं लग रहा है दोस्तों। अगर इसे खतरा लगेगा तो ये अपना सबसे पहले फन फैलाएगा और फिर हमला कर देगा। तो चलिए इसे हम लोग परेशान नहीं करते हैं और ज्यादा और ऐसे रेस्क्यू कर लेते हैं। जा। काचिल पर है ना? नहीं। तो साथियों हमने बहुत अच्छी तरह इसका रेस्क्यू कर लिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।